गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एलगी के सामान्य लक्षण। जनरल करेक्टर्स ऑफ एलगी पढ़ेंगे। जैसा कि अपन सब जानते हैं कि जो एलगी होती है उनकी थैलोइड प्लांट बॉडी होती है, यानी कि जड़ तने व पत्ती में विभेदित नहीं होती है। इसके अलावा जो आइकलर है, आइकलर ने अपने वर्गीकरण में एलगी को थैलोफाइटा डिवीजन के अंतर्गत रखा है फंजाई और लाइकेंस के साथ। एलगी जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं। एलगी जो होते हैं वो फंजाई से दो लिहाज से अलग होते हैं। पहला तो ये कि ये अपना एलगी जो होती है वो अपना भोजन स्वयं बना सकती है, जबकि फंजाई जो होती है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकती है। दूसरी बात जो है कि एल्गी के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है, जबकि फंजाई के अंदर एब्सेंट होता है। ज़्यादातर जो एल्गी होती हैं वो एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर पाई जाती है, यानी फ्रेश वाटर हो सकती है या मैरीन हो सकती है, जबकि कुछ एल्गी जो होती हैं वो टेरेस्ट्रियल भी होती हैं। एल्गी जो होती है वो संसार के सभी भागों में पाई जाती है, यहाँ तक कि आर्कटिक और एंटार्कटिक जैसे क्षेत्रों में भी ये आपको मिल जाती है, यानी यूनिवर्सल अकरेंस होती है एल्गी की, सब सर्वव्यापी है, सब जगह मिलेगी। इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। जैसे ये जो चित्र है इसमें अपन देख सकते हैं कि यूडोगोनियम का सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन बताया गया है। सेक्स ऑर्गन जो होते हैं उनमें जैकेट सेल्स नहीं पाई जाती है, और यदि जैकेट सेल्स प्रेजेंट भी होगी तो उनका ओरिजन डिफरेंट होता है। यदि अपन देखें जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें कॉम्प्लेक्सिटी प्रोग्रेसिव होती जाती है अलग अलग एल्गल ग्रुप्स में, और जाइगोट बनता है लेकिन एम्ब्रियो जो है वो नहीं फॉर्म होता, यानी कि भ्रूण का निर्माण नहीं होगा। अलग अलग प्रकार के ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन या पीढ़ी एकांतरण एल्गी शो करती है। कोशिका संगठन अपन देखें तो प्रोकैरियोटिक भी हो सकता है या यूकैरियोटिक भी हो सकता है। जैसे कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है नील हरित शैवाल, उसका प्रोकैरियोटिक कोशिका संगठन होता है। प्रिमिटिव प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, इनसीपिएंट न्यूक्लियस होता है, झिल्लियाबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, जबकि बाकी सारी एल्गी जो होती हैं वो यूकैरियोटिक कोशिका संगठन प्रदर्शित करती हैं। अब ये कहाँ पाई जाती हैं? कई सारे हैबिटेट में मिलती हैं, जैसे कि फ्रेश वाटर में मिल सकती हैं, मैरीन मतलब कि समुद्र जल में, और पतचट्टानों पर, प्लांट्स में, अंदर प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स के बाहर, या फिर एनिमल्स के अंदर, एनिमल्स की सतह के बाहर भी मिल सकती हैं। हालांकि जो एक्वेटिक फॉर्म्स होती हैं वो ज़्यादा कॉमन होती हैं, ज़्यादातर शैवाल जो होंगी वो एल्गी एक्वेटिक होगी, जलीय हैबिटेट में पाई जाएगी। हैबिटेट के आधार पर एल्गी को तीन समूहों में बांटा गया है, एक्वेटिक हो सकती है, टेरेस्ट्रियल हो सकती है, या फिर अनयूजुअल हैबिटेट की भी हो सकती है। अब ये जो है एक क्लैमिडोमोनास का चित्र है, जो एक कोशिकीय शैवाल है, फ्लैजिलेटेड एल्गी है, इसका डायग्राम बता रखा हुआ है। अब देखें एक्वेटिक फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं, एक्वेटिक एल्गी कौन सी होती है। एक्वेटिक एल्गी जो होती हैं वो दो प्रकार की हो सकती हैं, फ्रेश वाटर यानी स्वच्छ जलीय हो सकती हैं, और मैरीन फॉर्म्स भी हो सकती हैं जो समुद्र जलीय हों। फ्रेश वाटर फॉर्म्स को अपन देखें तो फ्रेश वाटर कौन सी होती हैं जो स्वच्छ जल में पाई जाती हैं, जैसे कि पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में पाई जा सकती है। स्पायरो वगैरह जो है वो फ्रेश वाटर एल्गी का उदाहरण है। इसके बाद जो है वो मैरीन फॉर्म्स की अपन बात करें तो ये खारे पानी में पाई जाती है, जैसे समुद्र में या फिर जो ओशियंस होते हैं उसमें पाई जाती है, जिसमें रेड एल्गी हो सकती है, ब्राउन एल्गी हो सकती है, जैसे पॉलीसाइफोनिया जो कि एक रेड एल्गी है, रोडोफाइसी का मेंबर है, सार्गेसम है जो कि फियोफाइसी का सदस्य है, ये जो है ये मैरीन फॉर्म्स है। टेरेस्ट्रियल एल्गी की बात करें तो अपन ये रॉक्स पर पाई जा सकती हैं, सॉइल पर पाई जा सकती हैं, गीली दीवार में पाई जा सकती हैं, वृक्षों की जो सतह होती है उनके ऊपर पाई जा सकती हैं। जैसे देखें अपन वाउचीरिया है, फ्रिशियला है, ये सॉइल की सरफेस पर पाई जाती हैं। ये चित्र आप देख सकते हैं, ये रेड रस्ट का है, जो सिफेलोयूरोस है, सिफेलोयूरोस जो एक पैरासिटिक एल्गी है उसका ये डायग्राम है। कुछ एल्गी जो होती हैं वो अनयूजुअल हैबिटेट्स में भी पाई जाती हैं, यानी बहुत ही असंगत प्रकार के अब नॉर्मल जो हैबिटेट्स होते हैं उनमें मिलेंगी। हेलोफिटिक एल्गी होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा खारे जल में मिलेंगी, जैसे डोनालियला इसका उदाहरण है। कुछ एपीफिटिक एल्गी होती हैं जो कि दूसरे पादपों की या दूसरे शैवालों की सतह के ऊपर वृद्धि करती हैं, इसका उदाहरण ओडोगोनियम है।
कुछ एपीज वही एल्गी होती है ना, दूसरे जंतुओं की सतह के ऊपर वृद्धि करती है, स्नेल्स के ऊपर जैसे घोंगे होते हैं उनके, या फिशेस के ऊपर जैसे क्लैडोफोरा इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जो कि घोंगों की जो शेल होती है उनके ऊपर ग्रो करता है। कुछ एंडोजोइक एल्गी होती हैं जो अन्य एनिमल्स की बॉडी के अंदर ग्रो करती हैं, जैसे जू क्लोरेला है जो हाइड्रेला हाइड्रा के अंदर वृद्धि करता है। ये डोनालियेला का चित्र है जो कि एक सिंगल सेल्ड एल्गी है। इसके बाद देखें अपन सिम्बायोटिक एल्गी हो सकती है। सिम्बायोटिक मतलब जो सहजीवन में पाई जाती है, क्योंकि किस किस के साथ ये सहजीवन बनाती है, तो शैवाल जो है वो कवक के साथ, फंजाई के साथ सहजीवन में पाई जा सकती है, और शैवाल और कवक के सहजीवन को लाइकेन कहा जाता है। इसी तरीके से ब्रायोफाइट जो एंथोसिरोस है, एक ब्रायोफाइट है, उसके अंदर भी उसकी जो गैमेटोफाइट होता है, उसकी जो अपन सेक्शन काटते हैं तो उसमें भी अंदर अपन को एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी मिलती है। इसी तरह से जो एजोला है, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म जो है, उनमें जो साइकस होता है उसकी जो प्रवाल मूलों के अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी मिलती है। ये सारे जो है वो सहजीवन के उदाहरण है। इसके अलावा जो एल्गी होती है वो पैरासिटिक भी हो सकती है, जो अभी अभी अपन ने चित्र देखा था सेफेल्यूरोस का, जो कि रेड रस्ट करती है, रेड रस्ट नाम की बीमारी कॉज करती है, ये एक पैरासिटिक एल्गी का उदाहरण है। ये पैरासाइट के रूप में वृद्धि करती है प्लांट्स या एनिमल्स के ऊपर। इसके अलावा जो है कुछ एल्गी थर्मोफिटिक भी होती है, जो कि गर्म पानी के झरनों में, हॉट स्प्रिंग्स में ग्रो करती हैं। कुछ फ्लूबेटाइल एल्गी होती हैं जो कि तेजी से बहते हुए जल में पाई जाती हैं, जैसे कि जो जलप्रपात होते हैं, वाटरफॉल्स होते हैं, झरने होते हैं। यूलोथ्रिक्स जो है वो इसका उदाहरण है, जो कि पहाड़ों पर जो वाटरफॉल्स पाए जाते हैं उनमें ग्रो करती है। अब अपन देखें कि थैलस की डाइवर्सिटी क्या होती है, तो बहुत सारा वेरिएशन अपन को इनके थैलस के रेंज में मिलता है। यूनिसेलुलर भी हो सकता है थैलस, मल्टीसेलुलर भी हो सकता है, माइक्रोस्कोपिक भी हो सकता है, मैक्रोस्कोपिक भी हो सकता है। जो प्लांट का साइज है एल्गी का, वो कुछ माइक्रोन से लेकर कई मीटर तक हो सकता है। जैसे ये देखें जो चित्र बना रखा है, ये लार्जेस्ट एल्गी मैक्रोसिस्टिस पायरीफेरा का डायग्राम है। इसके अलावा एग्जांपल अपन देखें क्लेमिडोमोनास जैसे है, तो वो सिंगल सेल्ड एल्गी है, जबकि जो मैक्रोसिस्टिस है ये ऊपर जो इसका डायग्राम है ये मैरीन ब्राउन एल्गी है, मल्टीसेलुलर होती है, पेरेन्काइमेटस होती है और कई मीटर जो होती है लॉन्ग होती है। ये आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। इसके अलावा थैलस संगठन के आधार पर देखें तो यूनिसेलुलर एल्गी होती हैं कुछ, जो एक कोशिकीय है, जिनकी पूरी जो प्लांट बॉडी होती है वो एक ही कोशिका से बनी होती है, जैसे क्लेमिडोमोनास है, क्लोरेला है। कुछ कॉलोनियल फॉर्म्स होती हैं जो कॉलोनी बनाती हैं, जैसे वॉलवॉक्स है, पेंडोरिना है। कुछ फिलामेंटस एल्गी होती हैं, यानी कि जो तंतुवत होती हैं उसमें भी अनब्रांच्ड भी हो सकती है और ब्रांच्ड भी हो सकती हैं। अनब्रांच जैसे स्पायरोगेरा ओडोवोनियम है, ब्रांच्ड में क्लेडोफेरा और पिथोफोरा आती हैं। साइफोनेशियस फॉर्म्स भी हो सकती हैं नलिकाकार, जैसे वाउचीरिया। कुछ पेरेन्काइमेटस फॉर्म्स होती हैं जैसे सार्गेसम और लेमिनेरिया। इसके अलावा जो है पिगमेंटेशन देखें अपन एल्गी में किस किस तरीके का पिगमेंटेशन पाया जाता है। जो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं एल्गी के, उनमें अलग अलग पिगमेंट का कंपोजिशन होता है, लेकिन जो पिगमेंट्स होते हैं वो तीन मुख्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या तो क्लोरोफिल्स हो सकते हैं, कैरोटीनॉइड्स हो सकते हैं, या फिर फाइकोबिलिंस पाए जा सकते हैं। जितने भी एल्गी के ग्रुप्स होते हैं उनमें कम से कम एक मुख्य पिगमेंट जो होता है वो पाया जाता है। जैसे यदि अपन साइनोफाइसी की बात करें, जिन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, उनका फाइकोसाइनिन मुख्य पिगमेंट होता है। क्लोरोफाइसी समूह जो होता है, जैसे ग्रीन एल्गी जिसमें आती है, उनका मुख्य पिगमेंट क्लोरोफिल बी होता है। फ्यूफाइसी की जिसे ब्राउन एल्गी कहते हैं, उनका फ्यूकोजेंथिन होता है। रोडोफाइसी जिसमें पॉलीसाइफोनी आता है, वो जो रेड एल्गी है उनका मुख्य पिगमेंट जो होता है वो फाइकोइरिथ्रिन होता है, जो एक तरीके से फाइकोबिलिन का प्रकार है। क्लोरोफिल जो होता है ए, क्लोरोफिल का ए जो प्रकार है वो एल्गी के सभी ग्रुप्स में पाया जाता है, वो यूनिवर्सली प्रेजेंट पिगमेंट है। प्लास्टिड्स की बात करें तो साइनोफाइसी को छोड़कर, जो कि जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी आती हैं, जो एल्गी में पिगमेंट्स पाए जाते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स के भीतर पाए जाते हैं, जिनको प्लास्टिड कहा जाता है। इसके अलावा जो है ब्लू ग्रीन एल्गी में प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं, पिगमेंट्स जो होते हैं परिधीय साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, क्योंकि जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है उनका प्रोकैरियोटिक कोशिका संगठन होता है, इसमें एक पर्टिकुलर ऑर्गेनल नहीं पाया जाता, तो पेरिफेरल साइटोप्लाज्म जो होता है उसी में पिगमेंट मिलते हैं, तो उनको क्रोमोप्लाज्म कहा जाता है। प्लास्टिड्स दो प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट हो सकते हैं यदि कलरलेस प्लास्टिड है, या क्रोमोप्लास्ट हो सकते हैं यदि कलर्ड प्लास्टिड है। तो प्लास्टिड्स जो होते हैं एल्गी
जो प्लास्टिड की शेप में भी बहुत डाइवर्सिटी शो करती है, यानी इनकी शेप भी अलग अलग हो सकती है। जैसे अपन ये देखें, ये जो डायग्राम है स्पाइरल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है, तो कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट हो सकता है जैसे क्लेमिडोमोनास वोल्वॉक्स में, डिस्कॉइड हो सकता है जैसे वाउचीरिया कारा में, गर्डल शेप्ड हो सकता है जैसे कि यूलोथ्रिक्स के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा जो है स्पाइरल स्पाइरोगेरा में, स्टीलेट जो होता है जिग्नीवा में, पायरिनोइड की बात करें तो पायरिनोइड जो होती है प्रोटीनेशियस संरचना होती है जो क्रोमेटोफोर्स में पाई जाती है, ये जो होती है ये स्टार्च के सिंथेसिस का और स्टोरेज का ऑर्गन होता है। ये जो होते हैं जो पायरिनोइड की अपन बात करें तो कुछ क्लोरोफाइसी के अंदर पायरिनोइड जो होते हैं स्टार्च ग्रेन से भी सराउंडेड होते हैं, ये डी नोवो अराइज होते हैं या फिर पहले से एग्जिस्टिंग जो पायरिनोइड होते हैं उनके डिवीजन से भी बनते हैं। पायरिनोइड होते हैं वो ब्लू ग्रीन एल्गी में एब्सेंट होते हैं। यदि अपन आप जनन देखें तो जनन जो होता है वो तीन प्रकार का होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है एल्गी में, ए सेक्सुअल या अलैंगिक जनन पाया जा सकता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो फिशन फ्रेगमेंटेशन हॉर्मोगोनिया के द्वारा या फिर अपस्थानिक शाखाओं के द्वारा, ट्यूबल्स के द्वारा या बडिंग्स के द्वारा हो सकता है। अलैंगिक जनन जो होता है उसके लिए कोई चलनशील या अचल प्रकार के स्पोर बनते हैं जिसमें जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर, हिप्नोस्पोर, टेट्रास्पोर, ऑटोस्पोर, एकाइनिड्स, ये सब अलैंगिक जनन की इकाइयां होती हैं। लैंगिक जनन की जो विधियां होती हैं ऑटोगैमी हो सकती है, होलोगैमी हो सकती है, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ऊगैमी, ये सब इसके प्रकार हैं। लास्ट चीज जो है ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, कई प्रकार का पीढ़ी एकांतरण जो है वो पाया जाता है इनमें, और जो इनके जीवन चक्र में कुछ भाग जो है वो तो हैप्लोइड होता है और कुछ जो होता है वो डिप्लोइड जेनरेशन होती है। इस आधार पर अपन देखें तो इनमें किस किस प्रकार की ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन पाई जाती है। हैप्लोन्टिक प्रकार की लाइफ साइकिल हो सकती है या फिर डिप्लोन्टिक हो सकती है। हैप्लोन्टिक जो है उसमें जो लाइफ साइकिल में मेजर स्टेजेस होती हैं वो हैप्लोइड होती हैं, केवल जो जाइगोट बनता है वही एक डिप्लोइड अवस्था होती है, उसके बाद जाइगोट में मियोसिस होने के पश्चात वापस से हैप्लोइड अवस्था प्राप्त हो जाती है। डिप्लोन्टिक प्रकार की लाइफ साइकिल हो सकती है जो हैप्लोन्टिक की जस्ट रिवर्स है, उसमें ज्यादातर जीवन चक्र की प्रावस्थाएं डिप्लोइड होती हैं और केवल हैप्लोइड स्टेजेस जो होती हैं वो गैमिट्स में बनती हैं, गैमिट्स के समय में केवल हैप्लोइड स्टेज पाई जाती है। हैप्लोबायोन्टिक प्रकार की हो सकती है, तीन फेजेस होते हैं इसमें लाइफ साइकिल के, तीन फेजेस में से दो हैप्लोइड होते हैं, हैप्लोबायो, हैप्लो मतलब दो फेजेस तो हैप्लोइड होते हैं और एक जो होता है वो डिप्लोइड होता है। इसी तरीके से डिप्लोबायोन्टिक प्रकार होती है, तीन फेजेस जो लाइफ साइकिल होते हैं उनमें से दो डिप्लोइड होते हैं एक हैप्लोइड होता है। ज्यादातर जो मैरीन एल्गी होती है उनमें इस प्रकार की स्थिति पाई जाती है। थैंक यू।